प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। काफ़ी अच्छा माहौल है, लोगों में काफ़ी फुर्ती दिखाई दी, लोगों की समस्या लोगों कहते रहे और जिन पे भरोसा था, जिन पे विश्वास किया था, उन्होंने उनको वहीं पे छोड़ दिया। जीत के आने के बाद में जो समस्याएं हल करनी थी उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। ये लोगों की मांग है, लोग कहते हैं और लोग इस बात को लेकर आप पूछिए कहीं पर भी, कहते हैं कि हम परिवर्तन ज़रूर करेंगे और ये परिवर्तन दिख रहा है। ये मुंबई में होगा, ये महाराष्ट्र में होगा, ये देश में होगा। काफ़ी समस्याएं हैं, अब जब समस्याएं इतनी हैं कि पहले तो अपना घर कैसे चलाएं, ये महंगाई जो हर दिन आए दिन बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, लोग यहाँ पे सोच रहे हैं हम पढ़ के क्या करें, हमको हाथ को काम नहीं है। और वहाँ से बातें होती हैं सरकार की तरफ से कि हम रोज़गार देंगे, बहुत सारे रोज़गार लाएंगे, क्या रोज़गार मिले, और इसीलिए ये जनता त्रस्त है और वो इसीलिए परिवर्तन चाहती है। मैं तो पूरा घूमता रहा, अब लोग जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं किस तरह से, क्या पता नहीं है और क्या इंसिडेंट हुआ, क्या बात हुई, ये जानने के बिना ही बात करना ठीक नहीं रहेगा। जब जैसे अभी हमारे विभाग प्रमुख है प्रमोद शिंदे जी, वो पूरा जनता में सभी लोगों में शाखा शाखाओं में उनकी पूरी ज़मीनी हालात क्या है उससे जुड़े हुए हैं, तो कहाँ पे जाना है, किस माहौल में, किस कहाँ के मोहल्ले में जाना है, किस गली में जाना है, किस बस्ती बाड़ी में जाना है, सोसाइटी में जाना है, वो तय करेंगे। जहाँ जहाँ पे जाना है वहाँ पे ज़रूर जाएंगे, क्योंकि लोग आखिर में इस लोकतंत्र में लोग जो आम लोग हैं उनकी ही सबसे उनका ही सबसे बड़ा हक है और वो हक अदा करने का, वो फ़र्ज़ अदा करने का दिन बहुत नज़दीक आ रहा है। 20 मई को यहाँ पर इलेक्शन है और हम लोग घूम रहे हैं। नारी शक्ति है, नारी शक्ति सही मायने में सही रूप में हमारे सामने है और बुलंद आवाज़ है, कह रही है कि हम आपके साथ में हैं। बहुत अच्छा है, ये तो नारी शक्ति का आशीर्वाद है।